हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वे के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, ये सबको मालूम है दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला आप लोगों को कि 12th लेवल के लिए कौन कौन सा पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन कौन सा पोस्ट है और टोटल जितने भी जोन्स हैं उन सभी जोन्स पर 12th लेवल के लिए कितना पोस्ट है हर एक जोन का और ग्रेजुएशन लेवल के लिए कितना पोस्ट है हर एक जोन का और एक जोन पर 12th प्लस ग्रेजुएशन दोनों मिलाकर कितना पोस्ट है। तो जोन वाइज वैकेंसी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग फॉर्म भरने के लिए डेट 1 मार्च से लेकर लास्ट 31 मार्च तक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप लोग अपना जोन वाइज वैकेंसी देखिए कि कितना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए क्योंकि और उसके बाद देखिए आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप एक बार जोन के लिए अप्लाई कर दिए, चाहे आप 12th के हों या ग्रेजुएशन के हों, तो उसके बाद जोन आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, पहले ही ये बता दिया गया है और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा। एक बार जो जोन आप लोग सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद आपको कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग इसी के लिए आप लोग टेबल वैकेंसी को पूरा देख लें या फिर आप लोग अपने इसके हर एक जोन पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसको आप लोग नोटिफिकेशन को देखें और उसके बाद ही जोन वाइज आप अपना वैकेंसी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में और मैं ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी जोन के लिए, अगर मान लीजिए आप अपना फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई अगर मिस्टेक अगर आपसे गलती हो जाता है तो उसको आप कैसे सुधारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को तो आज सिर्फ यही बताने वाला हूं कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी आई हुई है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है उसमें आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इसके लिए हम लोग अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ और अगर आप लोगों का कोई फॉर्म भरने समय गलती हो गया तो उस तब आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। 100 रुपये लगता है और उसमें आप लोगों को सुधार करने का ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में सिर्फ टेबल वाइज वैकेंसी जोन वाइज पूरा जोन का बताने वाला हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए क्योंकि अभी टाइम बहुत है दोस्तों। क्योंकि गलती कर दीजिएगा फिर एक जोन, फिर आपको दूसरा जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो में इसका पूरा डिटेल करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, बेल आइकन न दबाने से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे CA नंबर 1/2019 आप सभी के सभी जोनों पर यह उपलब्ध है। आप लोगों को यह मालूम होगा कि 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 12th लेवल का, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेकंड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये 5 जो है दोस्तों ये आप लोगों का 12th लेवल का वैकेंसी है और उसमें आप लोगों को टोटल 10,628 पोस्ट दिया गया है, जिसको हम लोग जोन वाइज जोन देखेंगे 12th के लिए कितना है और आपको ग्रेजुएशन के लिए कितना दिया गया है। और उसमें भी आप अपना अगर इस जो नोटिफिकेशन है उसमें यह भी दिया गया है कि जनरल के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना। वहीं पे दोस्तों, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। ग्रेजुएशन में जैसे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे 24,649 पोस्ट पर है और पहला यहाँ पे आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, गोट गार्ड्स, सीनियर कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर, जूनियर अकाउंट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। तो ये दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इतना पोस्ट पर, ये आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल का पोस्टिंग है, इस पर ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग 12th लेवल के हैं वो तो सिर्फ 12th पे ही भर पाएंगे, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन पे हैं वो ग्रेजुएशन के अलावा इस पोस्ट पे तो आवेदन कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ 12th वाले पोस्ट पे भी वो लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक जोन पे ही, एक जोन को ही। पहले आप लोग पूरा डिटेल से इसको समझिए किस जोन में कितना है और किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जोन सेलेक्ट करने का फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया। चलिए दोस्तों, टेबल वाइज वैकेंसी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं RRB NTPC 2019 का जोन वाइज वैकेंसी निकाला हुआ हूं। तो दोस्तों, इसको मैंने किस तरह से निकाला ये आप लोग भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं है जोन 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और टोटल वैकेंसी आपका कितना है, मैं यहाँ पर सभी जोन का निकाला हूँ जिसको आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, आप लोग जिस जोन उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा कि किस जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन के द्वारा ही मैं जो दिया गया उसी में निकाला हूँ, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों देखते हैं आप लोग, जैसे ही इसके नोटिफिकेशन में आइएगा तो आपको यहाँ पे 52 नंबर से यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है कि आप इसके लिए कोई यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो दे दिया गया है कि 12th लेवल का कौन सा किस किस पोस्ट का है और ग्रेजुएशन लेवल का कौन कौन सा पोस्ट है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देख सकते हैं 52 नंबर यहाँ पर RRB
अहमदाबाद है, अहमदाबाद से यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इसके बाद आप नीचे जैसे जैसे जाइएगा आप लोगों को सब दिखाई देगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं ये एक अजमेर का ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्शियल अप्रिटेंसिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर कम। तो जो इसमें सीनियर, जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन लेवल का टोटल पोस्ट आप लोग देखिएगा। अगर कैटेगरी वाइज भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ये अजमेर का है, इसी हर एक जोन पर आप निकाल सकते हैं। तो 10th पूरा आप ग्रेजुएशन लेवल का निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा वो आप लोग का 12th लेवल का होगा। ऊपर में आप टोटल आपका यहाँ पे 1773 पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे 12th और ग्रेजुएशन दोनों मिलाकर। और आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में दिया गया है कि कौन पोस्ट 12th के लिए, कौन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, तो इसको आप अलग अलग करके यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोग का वहाँ पे टोटल डिटेल आप लोग को बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। जैसे कि पहले हम लोग बात करते हैं मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन में 12th के लिए 1071 पोस्ट रखा गया है, वहीं ग्रेजुएशन के लिए 2594 पोस्ट है, टोटल आप लोग का 3665 पोस्ट है। दोस्तों 12th वाले सिर्फ 12th पे आवेदन कर पाएंगे, ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन पे भी, उसके साथ साथ 12th पे भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे सिकंदराबाद जोन की बात करें तो इसमें 12th के लिए 855 पोस्ट है दोस्तों, और ग्रेजुएट के लिए 2369 पोस्ट है, टोटल आपका 3234 पोस्ट है। वहीं इलाहाबाद जोन की बात करें दोस्तों तो इसमें 12th के लिए 952 है, और ग्रेजुएशन के लिए 3171 है, और टोटल वैकेंसी आप लोगों का 4099 पोस्ट पे है। और चौथा जोन है दोस्तों आप लोगों का कोलकाता जोन, वहीं पे कोलकाता में आप लोगों का 12th लेवल के लिए 1158 पोस्ट है, ग्रेजुएशन के लिए 1791 पोस्ट है, और टोटल वैकेंसी आप लोग का 2949 पोस्ट है। चेन्नई जोन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 12th के लिए 2694 है, और ग्रेजुएशन के लिए 1771 है, और टोटल वैकेंसी आप लोगों का यहाँ पे 2694 रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है लिखने में प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का टोटल वैकेंसी आप लोगों का दोस्तों 923 वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोगों का 900 चंडीगढ़ में 12th के, चेन्नई में आप लोगों का 12th के लिए, अजमेर जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों चेन्नई जोन का, यहाँ पे 2694 टोटल पोस्ट आप लोग का, 1771 आप लोग का 12th लेवल का है, और वहीं 12th ग्रेजुएशन लेवल, और वहीं 12th के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे 12th लेवल के लिए दोस्तों यहाँ पे 923 पोस्ट रखा गया है, चेन्नई जोन के लिए 923 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद चलिए दोस्तों अजमेर जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 12th लेवल के लिए 410 पोस्ट है, और ग्रेजुएशन के लिए 1363 है, टोटल 1773 पोस्ट है। चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, या 862 पोस्ट है आप लोगों का 12th, और यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए 1661 और टोटल 2483 पोस्ट है। बेंगलोर की बात करें तो 754 पोस्ट है 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 1761 और टोटल वैकेंसी आप लोग का 2470 पे है। रांची जोन की बात करें दोस्तों तो 408 पोस्ट है टोटल, 900 ग्रेजुएशन के लिए 978 पोस्ट है, टोटल 1386 पोस्ट है। वहीं गोरखपुर जोन की बात करें तो 527 पोस्ट है 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 771 पोस्ट है, टोटल 1298 पोस्ट। मालदा जोन की बात करें तो यहाँ पे 302 पोस्ट है 12th के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मालदा जोन में, और ग्रेजुएशन के लिए 741 पोस्ट है, टोटल 1043 पोस्ट है। पटना जोन की बात करें दोस्तों तो 168 पोस्ट है 12th के लिए, 871 पोस्ट है आप लोगों को ग्रेजुएशन के लिए, टोटल 1039 पोस्ट है। बिलासपुर की बात करें तो 183 है 12th के लिए, 1027 है आप लोगों को ग्रेजुएशन के लिए, और 1207 है टोटल पोस्ट। अहमदाबाद जोन की बात करें तो 433 पोस्ट है 12th के लिए, 591 है आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल के लिए, 1024 है टोटल पोस्ट यहाँ पे। भोपाल जोन की बात करें तो 303 पोस्ट है 12th लेवल के लिए, और 694 है आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और 997 टोटल पोस्ट है। गुवाहाटी की बात करें तो 328 पोस्ट है 12th के लिए, और ग्रेजुएशन के लिए 523 पोस्ट, टोटल 851 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। वहीं जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें दोस्तों तो 302 पोस्ट है 12th लेवल के लिए, 596 पोस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, 898 टोटल पोस्ट है। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो 152 पोस्ट है 12th के लिए, 342 पोस्ट है यहाँ पे आप लोगों को, 342 पोस्ट रखा गया, ग्रेजुएशन के लिए 498 पोस्ट है टोटल। तिरुवनंतपुरम की बात करें दोस्तों तो 226 पोस्ट है 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 671 पोस्ट, टोटल 897 पोस्ट है। सिलीगुड़ी में बात करें दोस्तों, सिलीगुड़ी जोन के लिए 174 पोस्ट है आप लोगों का 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 269 पोस्ट और टोटल 443 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो 134 जोन है 12th के लिए, 195 जोन है, 195 आप लोगों का यहाँ पे रखा गया है ग्रेजुएशन के लिए, और 329 पोस्ट टोटल आप लोगों का वैकेंसी है
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों इसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कैसे करें तो आप लोग पूरा जोन वाइज को बढ़िया से पहले देख लीजिएगा, आप लोगों के पास समय अच्छा खासा है क्योंकि जोन चेंज करने का टाइम फिर आप लोगों को नहीं मिले दिया जाएगा, और फॉर्म को बढ़िया से भरना, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो लोग इस चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।